अस्सलाम वालेकुम, आई एम आयशा नासिर, कंसल्टेंट डाइटिशन एट होलिस्टिक केयर। अक्सर मेरे डाइट प्लान्स यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे आप लोगों के सामने आते रहते हैं। स्नैक वीडियो पे भी बहुत सारी ऐप्स में मेरे डाइट प्लान्स आप लोगों के सामने आते रहते हैं, और जो पेशेंट मेरे पास आते हैं उन्हें मेरे डाइट प्लान यूजली रटे हुए होते हैं कि आप डाइट प्लान में ये कहती हैं, आप ये कहती हैं, हमें ये आता है मगर हमसे होता नहीं है। तो उसमें एक अजीब बात ये हुई कि मैंने पेशेंट को कहा आपने गुड़ वाली चाय पीनी है। उससे कहा ये तो आपके डाइट प्लान में नहीं होती, आपने तो कभी डाइट प्लान में गुड़ वाली चाय नहीं दी, तो गुड़ वाली चाय मुझे क्यों दे रही हैं आप? मेरे केस में ऐसा क्या आप मेरा वेट लॉस ज़्यादा नहीं कराएंगी? क्या आप इतना वेट लॉस मेरा नहीं चाह रही जितना बाकियों का होता है, या मुझे कोई मसला है? तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ ये गुड़ वाली चाय के बेनिफिट्स डिस्कस कर दूं। जिस बंदे को मीठे की क्रेविंग ज़्यादा होती है, जैसे बिला वजह बेवक्त अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, तो उस केस में गुड़ वाली चाय जो है वो बहुत अच्छी होती है। वो इसलिए अच्छी होती है बिकॉज़ वो आपकी मीठे की क्रेविंग को सप्रेस कर देती है। हम लोग समझते हैं, और इसमें मेरा भी कसूर है, शायद मैं ही कम्युनिकेट नहीं कर सकी कि चाय के फ़वाद भी होते हैं। आज से पहले आप लोगों ने यही सुना है कि चाय का इस्तेमाल, चाय न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन रुकती है, चाय का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें, अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपको यूरिन ज़्यादा आएगा वगैरह वगैरह। लेकिन चाय के बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। अगर आप उनके साथ कॉम्बिनेशन में गुड़ ऐड कर देते हैं तो ये मीठे की क्रेविंग को सप्रेस करता है। आपकी वैसे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, आपके मूड को बेहतर करने के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। मसला ये आता है कि हम इसका इस्तेमाल करते हैं खाने के बिल्कुल ऊपर से, वहाँ इसके साइड इफ़ेक्ट शुरू हो जाते हैं। अगर आप नाश्ता करके उसके एक घंटे बाद गुड़ वाली चाय इस्तेमाल करते हैं, आप गुड़ भी मॉडरेशन में इस्तेमाल करना है। गुड़ बहुत अच्छी चीज़ है, जैसे मैंने बताया आपके मूड को बहुत अच्छा करता है, आपकी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा, आपके एनर्जी लेवल को बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ओवरऑल आपके मूड स्विंग्स के लिए ये बहुत अच्छा है, और आपका एनर्जी लेवल नीचे लेकर, जो डाइट में एनर्जी लेवल नीचे आने लग जाता है, ये उसके लिए भी बहुत अच्छा है। शुगर का बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है, लेकिन एक मॉडरेशन में इस्तेमाल किया जाए। अगर आप एक चाय का चम्मच पिसा हुआ गुड़, आसमान की तरफ इसका पहाड़ नहीं बनाना, लेवल्ड होना चाहिए। अगर आप एक चाय का चम्मच पिसा हुआ गुड़ चाय में डालकर इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको फ़ायदा देता है, लेकिन गुड़ को कोशिश करें कि आप चूल्हे पे ना पकाएं। लाइक पूरी चाय जब तैयार हो जाए तो उसके अंदर आपने एक चाय का चम्मच शक्कर या गुड़ का इस्तेमाल जो है वो कर लेना है। आप चाय के क्या फ़वाद हैं, चाय भी आपके मूड को अच्छा करती है, इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं। मैं अक्सर अपनी वीडियो में बताती हूँ एंटीऑक्सीडेंट्स स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं, ये आपको शुगर से बचाते हैं, ये आपको कैंसर से बचाते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स का नेचुरल सोर्स है, जो चाय की बात हो रही है, जो कि आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाएगा। कैफीन भी कहीं ना कहीं हमें जगा देती है, हमें जगाने के लिए और हमारी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, हमें बहुत ज़्यादा एक्टिव करने के लिए भी चाय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक बहुत अच्छा स्नैक भी है, अगर आपको बेवक्त की भूख लगती है या आपको बार बार कुछ खाने की आदत है, तो आप एक दो दफ़ा उसमें अगर चाय का इस्तेमाल कर लेते हैं तो इसका नुकसान नहीं है, बल्कि ये आपको फ़ायदा देगी। ये आपके लिए बालों के लिए अच्छी है, ये आपकी स्किन के लिए अच्छी है, आपके नाखूनों के लिए अच्छी है, आपकी ओवरऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल हेल्थ के लिए अच्छी है, अगर इसका इस्तेमाल जो है वो आप तरीके से करते हैं। अब मेरे इंडिया के पेशेंट्स हैं, वो एक वर्ड बोलते हैं जो मैं हमेशा गलत प्रोनाउंस करते हैं, कुक्कड़ या कक्कड़ या कुल्लड़ वो इस्तेमाल करते हैं कि हम कुल्लड़ का इस्तेमाल कर लें। पहली दफ़ा तो मैं बड़ी हैरान हुई, मैंने कहा ये कुल्लड़ क्या है, तो मुझे पता चला कि गुड़ वाली चाय जो है इंडियन पेशेंट्स बहुत ज़्यादा पीते हैं, जिसको वो कुल्लड़ कहते हैं। तो कुल्लड़ का आप इस्तेमाल कर सकते हो, मगर उसमें जो दूध बहुत ज़्यादा डला है उसको आपने कम रखना है। चाय के अंदर जितना मेरे पास ये ग्लास के अंदर पानी है ना, इतना दूध होना चाहिए, बाकी सारा पानी होना चाहिए, और एक चाय का चम्मच शक्कर या गुड़ डाल के अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको फ़ायदा देगी। शुक्रिया।